हेलो दोस्तों, स्वागत है अमन बाइक पॉइंट में। यह है बुलेट BS6 मॉडल है। इसमें एक दिक्कत आ रही है, ये अभी बिल्कुल ज़्यादा चली भी नहीं है, 25,500 चली है और इसका चैन सेट ख़त्म हो गया है। चैन सेट के दांते टूट गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हो, सारे दांते इसके खत्म हो गए हैं, कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, इसमें इतनी जल्दी चैन सेट के टूटता है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। इतना भारी है ये, पूरा स्पोकेट आता है इसमें, ब्रेक लगते हैं, पूरा ड्रम आता है हब। तो ये इतनी जल्दी क्यों खराब हो जाता है इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। बुलेट के ही सबसे ज्यादा चैन स्पोकेट के दांते टूटते हैं, जैसे आप देख सकते हो इसके सारे टूट गए हैं। तो अगर आपको इसमें चैन सेट नया डलवाना है तो 2,200 रुपये का इसका चैन सेट आता है, जिसमें एक चैन आती है और यहाँ पे एक गरारी लगती है, वो आती है। और आप चाहते हो सस्ते में काम बन जाए, बाद में इसे बदलवा लेंगे या जैसे भी है, तो इसका एक चैन स्पोकेट अलग से आ जाता है। रॉयल इनफील्ड तो बनाती नहीं है, लेकिन लोकल कंपनी का आ जाता है, सही चलता है, बेहतरीन। मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा होता है, कितने का है। तो एक खाकी डिब्बे के नाम से आता है, चैन स्पोकेट इसमें है, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो अगर आप पूरा चैन सेट नहीं बदलवा सकते, सस्ते में काम कराना चाहते हो, तो ये सस्ता ही पड़ता है, आप इसे डलवा सकते हो। फिलहाल इससे बहुत दिन गाड़ी चल जाएगी, 7-8 महीने खींच देता है ये भी। तो कुछ इस तरह होगा ये, देखो इसके दांते, मैं आपको दिखाता हूँ। पूरे दांते इसके बिल्कुल मुकम्मल है और वजन भी इसमें ठीक ठाक है, तो ये चलता बढ़िया है, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। इसमें से हम बैरिंग वेरिंग निकाल लेंगे और इसमें लगा देंगे और इसे गाड़ी में हम फिट करेंगे, तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा और बढ़िया चलेगा। तो और गाड़ियों का चैन स्पोकेट पिछला कभी भी नहीं आता, लेकिन बुलेट का ही आ जाता है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा टूटते हैं। अब आप दोनों में देख सकते हो क्या डिफरेंट है, इसके बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और इसके पूरे दांते मुकम्मल है, इतने होते हैं देखो, और इसके सारे टूट गए हैं। तो दोस्तों, ये गाड़ी में जो दिक्कत आती है, ये आती है चैन की वजह से। कोई सी भी बुलेट होगा, बुलेट की चैन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, तो वो क्या करती है, इसे तोड़ देती है दांतों को। एक दांत टूटा और फिर टूटने में लाइन लग जाती है, क्योंकि ये प्योर लोहा नहीं होता, ये डेपचून होती है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी समस्या आ रही है, दांते टूट रहे हैं या कुछ टूट गए हैं, तो आप चैन पे या तो लुब्रिकेंट कराएं या चैन क्लीन कराएं और चैन को सूखी ना रहने दें, उस पर ऑयल वगैरह कुछ ना कुछ लगवाते रहें। तो अब हम इसे लगाएंगे और कस्टमर को यही सलाह देंगे कि आप चैन पे को थोड़ा वो रखें, तर ऑयल वगैरह डलवाते रहें नया, या जो भी आपको क्लीन करानी है या चैन लूप लगवाना है, तो फिर आपकी गाड़ी में ये समस्या नहीं आएगी और काफ़ी पैसे बच जाएंगे। दोस्तों, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही आता है, 400-500 रुपये का आता है, 450 रुपये का। तो इसे लगा के आपकी गाड़ी में बात बन जाएगी और बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं लेकर आता रहता हूँ, नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।